तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा वीडियो जिसके बारे में सब लोग पूछ रहे थे, BAMS कितने मार्क्स पर मिलेगा। अगर आप लोग यूपी आयुष काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो या फिर अपने स्टेट कोटा में भी एडमिशन लेते हो, तो ऑलमोस्ट कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज, ये सब मिलने वाला है। इस सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता BAMS का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड। इफ़ यू टॉक अबाउट कि प्राइवेट कॉलेजेस आपको कितने मार्क्स पर मिलेगा अगर आपकी अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं वो है, तो बच्चों पिछली बार जो एडमिशंस हुए थे यूपी आयुष काउंसिलिंग में उत्तर प्रदेश में, NCISM की तरफ से जो कट ऑफ था वो 117 नंबर तक प्राइवेट कॉलेजेस मिले थे। इससे कम कट ऑफ करी नहीं थी तो बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। वो बच्चे इस बार एडमिशन फिर से लेंगे तो इस वजह से इस बार का जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पिछली बार इतना था, तो इस बार जो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के मिनिमम मार्क्स की बात करोगे जितने पर आपको एडमिशन मिल सकता है, क्वालिफाई आप होंगे। अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए मैं हूँ, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा अगर आप मेरे थ्रू लोगे एडमिशन, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मिनिमम मार्क्स फिर भी इस बार का आप आराम से मान के चलो कि आपको 125 मार्क्स चाहिए ही चाहिए रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बच्चे भी ज़्यादा थे, कंपटीशन भी ज़्यादा था, पिछली बार वाले भी स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लेंगे। सीटें पिछली बार खाली रह गई थी लेकिन वो बैच तो रह गया, ऐसे इस बार सीटें लिमिटेड हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। अब की बार क्या है, ये जो OBC है, पिछली बार OBC प्राइवेट कॉलेजेस का जो था कि 93 तक पे एडमिशन हुए थे, इस बार का तुम मान के चलो 100 प्लस, इसमें प्लस माइनस दो चार मार्क्स ऊपर कर सकते हो लेकिन 100 से ऊपर आपका होना चाहिए। इतने पे आपको OBC कैटेगरी से अगर आप हो तो प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। SC ST का क्या है, इसका मान के चलो तुम लोग 90 से लेकर 95, इन लोग का थोड़ा सा कम रहता है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात करता भी नहीं हूँ क्योंकि इनको आसानी से मिल जाता है कॉलेज। हमारा मेन फोकस रहता है अनरिजर्व्ड और OBC के ऊपर। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो गई। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है लेकिन आपको प्रोसीजर ही नहीं पता कि कैसे एडमिशन होते हैं BAMS में, काउंसलिंग कैसे होती है, तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास में है। गवर्नमेंट कॉलेज पर जाने से पहले आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि BAMS एडमिशन में आपको फुल गाइडेंस हमारी तरफ से मिल जाएगी, एडमिशन गारंटीड आपका पक्का हो जाएगा अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अगर कोई आपसे डोनेशन मांग ले तो उसका कान पकड़ के मेरे पास में ले आना, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा क्योंकि कोई डोनेशन इसमें नहीं चलती है। मैं करवाऊंगा एडमिशन, बिना डोनेशन के करवाऊंगा, फीस में भी डिस्काउंट करवाऊंगा। अब बताओ इससे ज़्यादा और मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे थ्रू करवाना पड़ेगा आपको, तो तभी ऐसा हो पाएगा। आपको बेस्ट कॉलेजेस यूपी के, स्पेशली यूपी आयुष काउंसलिंग में गारंटेड एडमिशन मिलेगा, और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको इसके लिए हमारे कोर्स में जो करियर गाइडेंस का कोर्स है डिस्प्ले पर नज़र आ जाएगा, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, इस कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा और आपका एडमिशन मैं करा दूंगा बेहतरीन कॉलेज में दिल्ली के आसपास ही कहीं पर यूपी में, ठीक है, NCR वाले रीजन में, तो इसकी भी चिंता नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में कि कितने मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं, जो मैंने पिछली बार एडमिशन्स कराए थे बहुत सारे बच्चों के अनरिजर्व्ड के जो एडमिशन्स थे वो आपको बताऊं बेटा, इस बार आपका 500 प्लस और इस मतलब 500 से ज़्यादा चाहिए आपको, इसमें आप जो है 10 से 15 नंबर जो है प्लस माइनस में रख सकते हैं कि 515 हो गए या फिर 485 हो गए। अनरिजर्व्ड वालों के लिए इतना है, बेचारे हर जगह अनरिजर्व्ड वाले पिसते हैं, तो इनके लिए बहुत सारे नंबर चाहिए क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे 500 पे तो MBBS मिल जाएगा, लेके दिखा देना अनरिजर्व्ड वाले 500 पे MBBS, ठीक है, बता देना मुझे भी किसी को मिल जाए तो। इसके बाद बात करते हैं OBC, ठीक है, हम बैकवर्ड कास्ट जितने भी होते हैं इनको गवर्नमेंट कॉलेज 450 से ऊपर, और इसमें तुम और ये मान के चलो कि इसमें एडिशनल तुम्हें 10 नंबर या 10 से ज़्यादा 15 तक नंबर और तुम्हारे ज़्यादा रहेंगे तो पूरे चांसेस हैं, अदरवाइज 450 से नीचे वाले जो हैं बहुत मुश्किल है उनके लिए, 450 से ऊपर होने चाहिए अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं।
आपको एडमिशन के लिए अच्छे कॉलेज में। हालांकि पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ बच्चों के जो कुछ अराउंड मैंने देखा था, कोई एक दो लास्ट में मॉपअप राउंड में कुछ के एडमिशन हो गए थे, दो चार सीटें बची थी, वैसे अच्छे कॉलेज नहीं थे उनमें हो गया था एडमिशन। एक एससी एसटी में एडमिशन ऐसा हुआ था जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने एडमिशन करवाया था, उस लड़के के मार्क्स थे अराउंड 235 के आसपास मार्क्स थे और उसको होम्योपैथी मिल गया था, बीएचएमएस। तो इसमें मिल सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीएएमएस की। तो बीएएमएस एससी एसटी वाले जो हैं वो आपका पकड़ के चलें 300 प्लस पकड़ के चलें तो आपको एडमिशन मिल सकता है। बीएचएमएस वगैरह की भी बात कर रहा हूँ एससी एसटी के लिए। तो ये मार्क्स हैं, आप इनको सेफ मार्क्स मान के चलो। रही बात एडमिशन की, अगर आपको नहीं आता है, गाइडेंस देने के लिए हम हैं, कोर्स में एनरोल करो और अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाओ। बिल्कुल भी इस तरह से ईयर वेस्ट मत कर लेना अपना। और मैं जो आपको कह रहा था, डोनेशन आपको बिल्कुल नहीं देनी है, कोई डोनेशन नहीं लगता है। मैं करवाऊंगा एडमिशन तो डिस्काउंट और दिलाऊंगा तुम्हें, कॉलेज वाले तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, ठीक है। फीस में 10-15 हज़ार का डिस्काउंट करवा ही दूंगा मरते से मरता, इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उस कोर्स में एनरोल करो। इस वीडियो में इतना ही है, कोई डाउट्स क्वेरीज रहे कट ऑफ से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप की डिटेल्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एनरोल कर लेते हो इस कोर्स में तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, फिर हम उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।